हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसके साथ साथ हमारे पास आयरन नेल है और दूसरा एक थर्मोकोल है मेरे पास। तो सबसे पहले हम आयरन नेल को इसमें डाल कर देखेंगे क्या होता है। आयरन नेल डाले, ये डूब गया, ठीक है। और दूसरा ये थर्मोकोल डाले, ये देखिए ये इस पे तैर गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूब क्यों जाती है और कोई ऑब्जेक्ट तैरने लगती है, तो इसका रीजन क्या होता है ये हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कोई भी चीज डूबती क्यों है और कोई भी चीज तैरती क्यों है, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक नेल है, आयरन नेल है, और दूसरा एक थर्मोकोल है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयरन नेल को इसमें डाल कर देखेंगे क्या होता है। आयरन नेल डाले, ये डूब गया, ठीक है। और दूसरा ये थर्मोकोल डाले, ये देखिए ये इस पे तैर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, दोनों का मास सेम था, ठीक है। तो एक चीज तैर गई, एक चीज डूब गई, तो इसका क्या रीजन है यही हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आयरन नेल के साथ क्या हुआ। तो जैसे ही मैंने आयरन नेल को पानी में डाला, ग्लास ऑफ वाटर में डाला, तो वो क्या हुआ, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, आयरन नेल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ओके। और दूसरा चीज कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं तो उसमें बॉयंट फोर्स लगता है, मतलब अपथ्रस्ट फोर्स लगा, बॉयंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो अब यहां पे समझिए, उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और उसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वाटर के द्वारा, बॉयंट फोर्स लग रहा है, जिस अपथ्रस्ट फोर्स को बॉयंट फोर्स कहेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो ऊपर की ओर लगेगा। अब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होती है बॉयंट फोर्स से, इसलिए ऑब्जेक्ट डूब जाता है, ठीक है। तो फोर्स आपस में कैंसिल होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो ज्यादा था बॉयंट फोर्स से, इसी कारण से आयरन नेल डूब गया, यही इसका सिंपल सा रीजन होता है। अब हम यहां पे अब ये समझते हैं कि जो हमारे पास थर्माकोल था, यहाँ पे आप कॉर्क भी ले सकते हो, यहाँ पे आप थर्माकोल भी ले सकते हो, यहाँ पे थर्माकोल था मेरे पास और दूसरा आयरन नेल था, तो आयरन नेल डूब गया, इसका रीजन तो हमने समझ लिया, लेकिन थर्माकोल तैर गया, तो ये क्यों होता है, ये इसका रीजन है दोनों के बीच की डेंसिटी। थर्माकोल और आयरन नेल दोनों का वेट तो बराबर था लेकिन दोनों के डेंसिटी में बहुत ज्यादा का अंतर था, तो इसी डेंसिटी के कारण एक चीज तैर गई, एक चीज डूब गई, ठीक है। डेंसिटी क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। डेंसिटी होता है कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया वॉल्यूम होता है उसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको अगर हम लोग वॉल्यूम से, उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमें डेंसिटी प्राप्त होती है उस ऑब्जेक्ट की, ओके। डेंसिटी का तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे तीन चीज की डेंसिटी हम लोग लेते हैं, एक हो गई थर्माकोल की डेंसिटी, एक हो गई वाटर की डेंसिटी, एक हो गई आयरन नेल की डेंसिटी। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे थर्माकोल की डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से, ठीक है। तो थर्माकोल की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है। अब जो भी किसी भी चीज का डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से कम होगी तो उसमें अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए वो ऑब्जेक्ट तैर जाएगी। तो यहाँ पे थर्माकोल पे जो कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम थी इसलिए उसमें अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा और उसके ग्रेविटेशन फोर्स है इसलिए वो कैंसिल आउट कर देगा और ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। वहीं बात करें आयरन नेल की, तो उसकी डेंसिटी, आयरन नेल की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा थी इसलिए उसमें अपथ्रस्ट फोर्स कम लगेगा एज कंपेयर टू उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसी कारण से आयरन नेल डूब जाएगी। ये रीजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के तैरने और डूबने का, उसका कंपेयर किया जाएगा उसकी डेंसिटी से। अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा हुई, ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स उसमें कम लगेगा और वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम हुई, ऑब्जेक्ट में अपथ्रस्ट फोर्स जो वाटर के द्वारा लगेगा वो ज्यादा लगेगा इसलिए वो ऊपर तैरने लगेगा। तो यहां पे हमें डेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट्स ऑन अ लिक्विड, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड पे फ्लोट करने लगेगा, और वहीं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा हुई लिक्विड से तो वो लिक्विड में नीचे बैठ जाएगा, ओके। इसी को हम लोग अगर एक समराइज फॉर्म में लिखें तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर लेस देन होगा लिक्विड के डेंसिटी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और वही चीज उल्टा कर देंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आयरन का नेल की डेंसिटी ज्यादा थी तो आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा हुई तो डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हुई, वाटर से ज्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, ठीक है, तो वो उसमें डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है
वाटर से तो उसमें तैरने लगेगा। यही सेम रीजन हो जाता है कि जो आइस होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है इसलिए वो उस पे फ्लोट करने लगता है। वहीं आयरन नेल जो है, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल पे दिखाया कि आयरन नेल पानी में डूब गया क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा थी इसलिए वो डूब गया। और वहीं अगर हम लोग मर्क्यूरी ले लें वाटर की जगह पे, मर्क्यूरी भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो मर्क्यूरी अगर ले लें उसके ऊपर हम लोग आयरन नेल डालेंगे तो वो तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी से कम होती है आयरन की डेंसिटी, इसलिए आयरन नेल मर्क्यूरी पे तैरने लगेगा। वही अगर हम लोग डेड सी का एग्जाम्पल लें तो डेड सी में अगर कोई तैरता है तो उसमें डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि डेड सी में साल्ट की मात्रा इतने ज्यादा है कि उसकी ओवरऑल डेंसिटी वाटर की वहां की डेड सी की बढ़ जाती है, जिसके कारण से ह्यूमन बॉडी उसमें डूबता नहीं। अगर आप उसमें तैरने जाओ तो आप आराम से उसमें तैर सकते हो। और ये जो चीज है डेंसिटी वाला जो सिस्टम है, जो बॉयंसी का जो सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट डूब रही है नहीं डूब रही, ये सिर्फ लिक्विड में नहीं गैसेज में भी लागू होगा, ठीक है। अब एयर से हल्का होता है हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस, उसकी डेंसिटी एयर से कम होती है, ठीक है, इसीलिए उसको अगर हम लोग बैलून में भरते हैं तो वो बैलून के साथ ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसीलिए जो गैस वाली बैलून होती है हीलियम भरी रहती है वो ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे भी जो मीडियम है, पूरा एयर जो मीडियम है, उसकी डेंसिटी उस हीलियम गैस जो उस बैलून भरी हुई उससे ज्यादा होती है, इसीलिए ऊपर की ओर चली जाती है, उसमें भी ऊपर चलती है। तो ये जो लिक्विड मीडियम है इसमें नहीं, ये सभी फ्लूइड में लागू होगा और सेम थ्योरी लागू होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी मीडियम के डेंसिटी से ज्यादा हुई तो उसमें डूब जाएगा, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी मीडियम के डेंसिटी से कम हुई, ठीक है, तो वो उसमें तैरने लगेगा, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट आता है हॉट एयर बैलून वाला, जो कंसेप्ट होता है वो भी सेम कंसेप्ट है। उसमें हॉट एयर भर देते हैं, जो हॉट एयर बैलून जिसमें आदमी बैठ के ऊपर की ओर थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं, तो उसमें जो होता है हॉट एयर के कारण हॉट एयर की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से कम हो जाती है, तो डेंसिटी कम इसलिए ऊपर की ओर तैरने लगेगा। तो यही सेम कंसेप्ट इसमें आता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज तैरती क्यों है और कोई भी चीज किसी मीडियम में डूब क्यों जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।